अपने शहर की गयूर और अमन पसंद आवाम को, समाजवादी पार्टी के तमाम उहदेदार और जिम्मेदारों को, नगर पालिका परिषद के तमाम मेंबरान और पालिका के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को, अपने खैरख्वाहों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर जो हमें इनाम के तौर पर बारी ताला ने रमज़ान के तोहफे के तौर पर हमें अता फरमाई है, यकीनी तौर पर ये हम सभी के लिए खुशी का मकाम है। और ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, त्यौहारों की जो असली मानी हैं, जहाँ खुशी के हैं, वहाँ पर ऐसे मौक़ों पर आपसी भाईचारे भी मजबूत होता है। आपसी तालमेल में और आपसी जो सद्भाव है वो भी मजबूत होता है। ये त्यौहार हमारे लिए यकीनी तौर पर नेमत हैं। हमारा शहर जो सदियों से अमन की परंपरा को, उसकी विरासत को अब बाकी रखे हुए है, ये शहर की जो आवाम है हमारी, जो आपसी भाईचारे के साथ जिस तरह से अमरोहा में रहने की मिसाल पेश की है, दुनिया में शायद दूसरी जगह नहीं मिलती हो। मैं इस मौके पर नगरपालिका परिषद की तमाम जिम्मेदारियों से जुड़ते हुए ईद के मौके पर और ईदगाह के सिलसिले से जो नगरपालिका हमेशा से इंतजाम कराती है वो पूरी तरह से मुकम्मल किए जाएंगे और उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। पूरे शहर में सफाई या वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई के लिए बेहतर और अच्छे इंतजाम हमने, और उम्मीद की जाती है कि गुज़िश्ता त्यौहारों की तरह ये त्यौहार भी जो ईद उल फितर के तौर पर हमें मिला है, इसमें भी तमाम इंतजाम नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से पूरी करेगी। आखिर में फिर मैं अपने तमाम शहरवासियों को, अपने खैरख्वाहों को, पार्टी के साथियों को, सभासद साथियों को और नगर पालिका परिषद के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।